हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज को सीखते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल होता है वो सर्च में क्यों नहीं आता। तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट में बात करूँगा। एक तो पहले तो मैं बताऊँगा क्यों नहीं आता आपका सर्च में जो चैनल होता है वो, और सेकंड जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जो कि वीडियो के एंड में बताऊंगा जिससे आप अपना जो चैनल है उसको सर्च में ला सकते हो। तो वीडियो का आपकी इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जैसे सर्च करता हूँ अपने चैनल का नाम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्निकल रोहित व्यास। और यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो जो मेरा चैनल है वो यहाँ पर टॉप में दिखा रहा है। जैसे कोई भी टेक्निकल रोहित व्यास सर्च करेगा तो सिर्फ मेरा ही चैनल यहाँ पर दिखाई देगा, और चैनल के नीचे जो भी मेरे वीडियोज़ हैं वो लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर दिखाई देंगे। पर आपके इसमें ऐसा नहीं हो रहा होगा, आपके जब अपने चैनल का नाम सर्च करते हो तो उससे पहले दो तीन चैनल या फिर कई सारे चैनल आ जाते होंगे, या फिर कोई सी भी वीडियो आ जाती होगी फिर आपका चैनल आता होगा। तो यहाँ पर आप कुछ गलतियाँ करते हो जिससे आपका जो चैनल है वो सर्च में नहीं आता। पहली जो गलती वो सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप करते हो। अगर नहीं करते तो अच्छी बात है, अगर करते हो तो आपका चैनल सर्च में तो आ ही नहीं सकता, मतलब टॉप में नहीं आएगा, नीचे आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जो टॉप पर आना चाहिए वो वहाँ पर नहीं शो होता। तो ये जो गलती है ये आप करते हो अपने जो यूट्यूब चैनल का नेम होता है उसमें, मतलब जैसे आप कोई भी नेम रखते हो तो उसको बिल्कुल यूनिक नेम रखने की कोशिश करो। और यहाँ पर जो है आप ऐसा नेम नहीं रखोगे जो कि पहले से किसी यूट्यूबर ने रख रखा है, या फिर कोई भी बड़ा चैनल जो है उस नेम से पहले से ही कस्टम URL ले रखा हो। आप कोई भी नाम रखोगे उस नाम से किसी भी बड़े यूट्यूबर का कोई भी चैनल नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर सर्च में आएगा। तो पहली तो गलती हो गई ये। अब सेकंड जो गलती होगी वो होगी आपके जो यूट्यूब का स्टूडियो जो आप डैशबोर्ड में ओपन करते हो वहाँ पर आप अपने जो यूट्यूब का चैनल होता है उसमें टैग नहीं डालते हो, जिससे आपका जो चैनल है वो सर्च में नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल यूनिक नेम रखो अपना यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको यूनिक नेम सर्च करना नहीं आता तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप जाकर वहाँ से सीख सकते हो कि एक यूनिक नेम हम कैसे रख सकते हैं अपने यूट्यूब पर। अब यहाँ पर दो गलतियाँ होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा यूट्यूब का चैनल होता है उसे हम सर्च में कैसे ला सकते हैं। तो पहली तो वही है सिंपल, जो आपका YouTube चैनल है उसका यूनिक नेम होना चाहिए, और उसी नाम से किसी भी बड़े यूट्यूबर का कोई भी YouTube चैनल नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो मैंने आपको बताया था, जो भी आप गलती करते हो उसमें जो मैंने बताया था कि आप अपने YouTube चैनल के टैग नहीं डालते, तो टैग कैसे डालें जिससे हमारा जो YouTube का चैनल है वो सर्च में आ सके टॉप पर। तो यहाँ पर मैं टैग आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको टैग यहाँ पर डालने चाहिए और आप कैसे डाल सकते हो। यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना YouTube चैनल सर्च में कैसे ला सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको YouTube का जो डैशबोर्ड होता है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे YouTube का हम सर्च करते हैं Google पर, तो YouTube स्टूडियो लिखकर हम सर्च करते हैं, वहाँ पर जाकर आपको YouTube स्टूडियो को जो है क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। और यहाँ पर ओपन होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है यहाँ पर। तो अब मैं बात करता हूँ हम टैग कैसे डालेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका यूट्यूब का जो स्टूडियो है वो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है, और यहाँ पर देने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा सेटिंग्स का, तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग का आइकन यहाँ पर आ चुका है। सिंपली आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो सेटिंग ओपन होगी उसमें आपको जो है अपने चैनल जो है उसका टैग यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग ओपन हो चुकी है जनरल सेटिंग। अब यहाँ पर आपको जो सेकंड दिख रहा होगा जनरल के नीचे चैनल का, तो सिंपली आपको चैनल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर चैनल पर क्लिक करने के बाद कुछ समय वेट करना है, और यहाँ पर वेट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिखा देगा कीवर्ड्स। आप यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स में, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कीवर्ड्स जो है मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। जैसे मैंने डाल रखा है टेक्निकल रोहित, टेक्निकल रोहित व्यास, और टेक्निकल रोहित फिर से, और टेक्निकल रोहित व्यास फिर से स्मॉल लेटर में, टेक्निकल रोहित और टेक्निकल रोहित, रोहित शर्मा, रोहित, बहुत सारे यहाँ पर मैंने टैग डाल रखे हैं। यहाँ पर टैग डालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे बॉक्स है इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे मैं एक और टैग यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रोहित व्यास, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहित व्यास। और यहाँ पर लिखने के बाद सिंपली आपको एक कोमा लगा देना है, तो यहाँ पर मैं कोमा पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो है हमारा टैग यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर कोमा लगाने के बाद ऐसे आपको 10-12 यहाँ पर टैग आपको डाल देना है अपने जो भी यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से। जैसे आपका, जैसे मेरा नाम था टेक्निकल रोहित व्यास, तो मैंने लिखा टेक्निकल रोहित, रोहित शर्मा, रोहित टेक्निकल, और टेक्निकल रोहित, और टेक्निकल व्यास भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्निकल व्यास भी यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर जो है
आपको यहाँ पर कीवर्ड लिखने होंगे, जिससे आप जो भी कुछ भी सर्च करेगा, मतलब टेक्निकल रोहित भी सर्च कर देगा तो मेरा चैनल आएगा, और रोहित लिख देगा तो भी मेरा चैनल आएगा। तो इस तरीके से आप टैग डाल सकते हो ताकि आपको जो है अपने जो यूट्यूब चैनल होता है उसको आप सर्च में ला सकते हो। इस तरीके से आप टैग डाल सकते हो, इसी तरीके का यूज़ करके आप अपने यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सर्च में ऊपर टॉप पर सर्च में ला सकते हो। तो यहाँ पर टैग डाल चुके हैं रोहित व्यास और टेक्निकल व्यास। यहाँ पर डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पर राइट का ऑप्शन दिख जाएगा आपके कीबोर्ड पर, तो सिंपली अगर राइट पर क्लिक करना है तो यहाँ पर टैग में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद सिंपली आपको जो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, और सेव पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा चैनल है उसमें यहाँ पर टैग लगकर तैयार हो चुके हैं, मतलब टैग लग चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो YouTube चैनल होता है उसको सर्च में ला सकते हो, और आपको क्या क्या गलती नहीं करनी वो भी मैंने आज की इस वीडियो में बताया है, और आप कैसे आपके YouTube चैनल को सर्च में ला सकते हो वो भी मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीके का यूज़ करके आप टैग डाल लीजिएगा, और इसी तरीके का यूज़ करके आप अपने YouTube चैनल को सर्च में टॉप पर ला सकते हो बिल्कुल आसानी से, मैंने आपको बताया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।